हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ भरमा बैंगन की, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। 250 ग्राम बैंगन लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने बैंगन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और फिर उनको कट कर लिया है, और उनमें लगा दूंगी मैं हल्दी मिर्च वगैरह ताकि ये अंदर से भी टेस्टी बने, और नमक डाल दूंगी। 5 से 6 बैंगन लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। हल्दी लगा दिया है, नमक लगा दिया है और मिर्च लगा दूंगी ताकि इनमें अंदर से अच्छी तरीके से मसाले भर जाए। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इनको फ्राई कर लेंगे। 5-6 बैंगन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और यम्मी बनती है सब्जी है। ये देखिए, अलग पलट लेंगे इनको ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से ताकि एक साथ सिक जाए, सारे ब्राउन हो जाए। सारे तल लूंगी मैं, और ये देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। थोड़ा सा और तल लूंगी मैं इनको, और तलने से बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाते हैं हल्के से, और टेस्टी बनते हैं। देखिए थोड़ा करारापन आ गया है। अब मैंने निकाल लूंगी एक प्लेट में, देखिए कितने अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं। जो बच्चे बैंगन भी नहीं खाते हैं वो बैंगन की सब्जी खाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और फिर डाल दूंगी मैं प्याज चॉप, चॉप प्याज डाल दिया मैंने इनको, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। प्याज मेरी ब्राउन हो गई है तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, जो कि मैं पहले से बना के रखती हूँ, हमेशा बताती हूँ मैं आपको, इससे टाइम की बचत होती है। आप इसे हमेशा घर में बना के रखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को, टाइम भी नहीं लगता इतना और सब्जी भी जल्दी से बन जाती है। सारे को मिला लूँगी मैं अदरक लहसुन पेस्ट को, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 2 टमाटर। यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के ऐड कर दिया, और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम, बैंगन को भी भून लेंगे अच्छी तरीके से। और मसाले ऐड कर दूँगी मैं, मिर्च वगैरह मैंने पहले भी डाली है इसमें, अदरक लहसुन के पेस्ट में पड़ी हुई थी हरी कलर की मिर्च वगैरह जो भी डली हुई है। और यहाँ पे बेसिक मसाले जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियों में डलते हैं वो डाल दूंगी दोस्तों, और बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्जी। सारे मसालों को मिला लूंगी, और हींग डालना भूल गई थी मैं, हमेशा की तरह हींग डालना भूल जाती हूँ, लास्ट में हींग डाला है मैंने। हिला लेंगे अच्छी तरीके से, और ये देखिए मैं बैंगन डाल दूंगी, हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन गए थे, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। ये देखिए इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से बैंगन में मिला लूंगी, और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी में मसाले भुन जाए अच्छी तरीके से, और सारा मसाला बैंगन के अंदर आ जाए। प्लेट निकल नहीं रही थी दोस्तों, दोबारा निकाल लिया। ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से पहुंच गए हैं बैंगन में और भुन गए अच्छी तरीके से, और बहुत ही टेस्टी बनी है। थोड़ी सी बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी और टेस्टी सब्जी बनी थी दोस्तों, जब बच्चों ने खाई थी कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए घर में, बड़े से लेके छोटों को सबको पसंद आएगी। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।